am Amosh Mittal. On the behalf of DIA Academy, we'll now discuss about goods and services taxes. This is the first chapter in mathematics which we are going to discuss. तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जीएसटी क्यों आया और क्या इसमें बेनिफिट्स थे जो बाकी के अदर टैक्सेस में नहीं थे। एज यू ऑल नो, कोई भी चीज़ों में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो नई चीज़ें एड ऑन होती हैं। सिमिलर वॉज द केस विथ आर टैक्सेस। ओके, बिफोर जीएसटी यू ऑल विल बी सरप्राइज टू हियर दैट देर वर 18 टैक्सेस विच वर लेविड ऑन अस। उन सबको कंबाइन करके जीएसटी किया गया, वन टैक्स वन नेशन। अब आप सोचो, सर्विस टैक्स था, वैट था, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टैक्सेस थे। इतने थे कि आप नाम भी नहीं याद कर सकते एक बार में, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती थी कैलकुलेशन में, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स होते थे, बिजनेसमैन हो गए, छोटे बिजनेसमैन हो गए या अदर पीपल विच वर रिलेटेड टू दैट सेक्टर, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इंडिया did that and on 1st of July 2017 India implemented GST. okay, but before India, tax good tax economies like America, USA, UK, Japan, Australia, they all implemented GST before India, but koi baat nahi, India ne usko 1st July ko implement kiya. Few are the qualities. GST is easy to calculate. एक टैक्स है, बाकी सारा काम खत्म, आपका सारा इशू उसमें क्लियर हो गया, सारा जो पेपर वर्क और डिफरेंट चीज़ें होती थी वो क्लियर हो गई। दूसरी जो जीएसटी में बेनिफिट्स हैं, इट इज़ अ मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड, अगर आप ये वर्ड को ध्यान से समझोगे तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। मल्टी स्टेज, एट एवरी स्टेज टैक्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, बट ऑन दी अदर हैंड इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, दैट मीन्स कंज्यूमर बेस्ड। तो पहले क्या होता था कि पहले मैन्युफैक्चरर पर टैक्स लगता था और वो टैक्स एड ऑन होता जाता था, बट जीएसटी के केस में जस्ट ऑपोजिट है, सारा का सारा टैक्स कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है। तो जो हमारे गुड्स हैं वो कंपेरेटिवली चीपर हो गए बिफोर द अदर टैक्सेस जो पहले इंडिया में लगाए जाते थे। And on every level, the value will be added. Okay, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या framework है, ये मैं आपको एक diagram की help से समझाने की कोशिश करता हूँ। Before that, कुछ slabs होते हैं, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 3%. 3% जो है वो कुछ ही objects पे जो है वो apply होता है। So these are the five basic tax slabs which is implemented on us. Okay, now let us now discuss few terms which you are going to get in your questions. First is your intra-state transaction, then interstate transaction, CGST, SGST, IGST, output tax, input tax, net GST. ये सारे टर्म्स हैं जिन पे आपको काम करना है और जिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नाउ एज यू कैन सी द पीपीटी हियर, जीएसटी दो पार्ट में आपका जाके डिवाइड हो जाता है। कब? जब सेम स्टेट में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा हो, दैट मींस बायर भी आपका एक ही स्टेट का हो और सेलर भी एक ही स्टेट का हो, दैट मींस द ट्रांजैक्शन विच टेक्स प्लेस विद इन द स्टेट, देन यू विल से इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, इफ द बायर इज फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट एंड द सेलर इज फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, देन यू विल से दैट इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यही दो टर्म्स आपको अच्छे से समझने हैं। इंट्रा मीनिंग सेम स्टेट, इंटर मीनिंग डिफरेंट स्टेट्स। बायर इज फ्रॉम यूपी, सेलर इज फ्रॉम यूपी। ओके, बायर सेलर दोनों एक स्टेट के हैं, इंट्रा स्टेट। बायर आपका यूपी का है, सेलर आपका राजस्थान का है, दो अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, इंटर स्टेट। ओके, अब कौन सा टैक्स कहाँ इंप्लीमेंट होता है? आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। इन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस, इंटर स्टेट, ओके, दैट मीन्स बायर सेलर अलग अलग आपके स्टेट्स के हैं, तो
इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, जो भी टैक्स है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिवाइडेड टू डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी इज आईजीएसटी। अब समझिए, अगर सपोज आपका टैक्स जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे 10% है, तो यू विल कैलकुलेट 10% एज आईजीएसटी, यू विल राइट आईजीएसटी। हम लोग क्वेश्चन में आगे इन चीजों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। बट कम अगेन टू द इंट्रास्टेट, अगर इंट्रास्टेट है आपका तो द टैक्स स्प्लिट्स, बायर सेलर सेम स्टेट के हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके नए कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। सपोज 10% टैक्स है आपका, सीजीएसटी एसजीएसटी डिवाइड्स, दैट मींस 10% इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो 10% इज द टोटल टैक्स, सीजीएसटी विल बी 5% एंड एसजीएसटी विल बी 5%। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू केसेस। बेसिक टर्म्स पे हमने बात कर लिया, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। कुछ टर्म्स अभी आपके बचे हैं, दैट इज आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी एंड नेट जीएसटी पेड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दीज केसेस विच आर आई एम गोइंग टू शेयर। केस वन, ए एक आपके प्लेयर है, बी एक प्लेयर है और सी एक प्लेयर है। देखो, जब भी आप सॉल्व करने जाओ जीएसटी का क्वेश्चन, तो यू सिंपली ड्रॉ एज यू कैन सी इन द डायग्राम नेक्स्ट टू मी, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप सबको एक लाइन में लिख लो, जो जिसको सेल करे उसके आगे एरो लगा दो। ए इज सेलिंग टू बी, तो ए का एरो बी की तरफ है। बी इज सेलिंग टू सी, सो द एरो ऑफ बी इज टूवर्ड सी। इफ यू आर गोइंग टू डू दिस मेथड यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम, and you simply write the value on the arrows and the tax percentage. So the whole data is composited to this particular part, and the next what you have to do, just look at those values, look at those terms and simply calculate. So A is selling it to B for 1000 rupees, GST is 12% and A is from Kullu. Kullu district is in Himachal Pradesh. B lives in Shimla. Shimla again is in Himachal Pradesh. Now, B is selling it to C. B is selling it to C. So you can see B is selling it to C for 2000 rupees. Tax is 12%. C lives in Mandi, that is Himachal Pradesh. So one thing is common in all these three players is that they all are from the same state. As I said earlier, if the transaction is taking place between same state, then it is intra-state transaction. So you don't take the question together, you divide it into transactions. First you take A to B, as you can see here. A is selling it to B, both are from Himachal Pradesh, so intrastate. The selling price of A becomes the cost price of B. ठीक है, A ने 1000 rupees का sell किया B को, तो B ने 1000 rupees का ही purchase किया. So the selling price of A will become the cost price of B. So that is equal to 1000 rupees. Next, as I said, intra-state transactions hai, so GST aapka do equal parts mein divide hoga, that is center GST and state GST. So 12% is the total tax, CGST will be 6% and SGST will be 6%. So 6%, now we are finding here CGST, as you can see. 6% tax of the total value is 1000, so 6% of that value is 60, so CGST is 60, similarly SGST is also 60. Now it is asked that you have to find the total amount which B paid to purchase it. Okay, so B ne kitna diya, pehla to 1000 usne diya object ka value, aur koi bhi jab aap transaction karoge to tax aapko dena hi dena hai, so 1000 प्लस सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी, तो 1000 प्लस 60 प्लस 60, देयरफोर अमाउंट ऑफ बी पेड इज 1120 रुपीज। ए टू बी का ट्रांजैक्शन आप एक बार में लो, दैट इज इंटरेस्टेड। ना बी टू सी पे आओ, बी ने सी को 2000 का सेल किया, अगेन बोथ आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सो इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेम प्रोसेस हमने इसमें भी फॉलो किया, जो जीएसटी था वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी 12% था, 6% में डिवाइड हो गया। 6% ऑफ 2000, नाउ व्हाई 2000, बिकॉज सी इज परचेजिंग इट फॉर 2000
एंड बी इज सेलिंग इट फॉर 2000। ओके, जैसे जैसे आपका ट्रांजैक्शन चेंज होगा टैक्स परसेंटेज आपका वही रहेगा, बट द वैल्यूज द सेलिंग प्राइस ऑफ एंड द कॉस्ट प्राइस विल चेंज एंड यू हैव टू प्लेस दोज वैल्यूज अगेंस्ट द टैक्स। तो 6% इंटू 2000 यू विल गेट 120 एस सी जी एस टी एंड 120 एस एस जी एस टी। 2000 का 6% 120 के इक्विवेलेंट होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन ये बोलता है कि टेल द अमाउंट एट विच बी सोल्ड, ओके बी सोल्ड, अब इस चीज का मतलब समझिए, बी सोल्ड कितने का बी ने सेल किया, 2000, तो उसका प्राइस हो गया और टैक्स आपको इंक्लूड करना ही है। तो 120 टोटल वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 2000 प्लस सीजीएसटी पेड बाय सी एंड एसजीएसटी पेड बाय सी। तो 2000 प्लस 120 प्लस 120 यू विल गेट रुपीज 2240 एज द आंसर एंड दिस 2240 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। ओके, तो दिस वॉज केस वन। आई होप आप लोगों को केस वन समझ आ गया। अगर केस वन आपको समझ आ गया, केस टू समझ आ गया और ये दोनों केसेस आप समझ गए तो ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। ओके, सो नाउ केस टू। केस टू अगेन ए बी एंड सी आर द प्लेयर्स। आई हैव केप्ट द वैल्यूज सेम एज वेल। ए इज सेलिंग इट टू बी फॉर 1000 एंड बी इज सेलिंग इट टू सी फॉर 2000। द टैक्स परसेंटेज इज इवन सेम। ओके, बट वॉट इज द चेंज दैट यू हैव टू सी। ए इज फ्रॉम आगरा, बी इज फ्रॉम दिल्ली एंड सी इज फ्रॉम मुंबई। आगरा इज इन यूपी, दिल्ली इज अ यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो यू कैन सी डिफरेंट स्टेट्स आर बींग इन्वॉल्व एंड एज आई टोल्ड यू वेन द ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, सो इट इज गोइंग टू बी एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ए टू बी सेम प्रोसेस, बट डिफरेंस क्या हो गया, इंटर स्टेट में हम लोग सी जी एस टी आई जी एस टी करते थे, बट बिकॉज ये इंटर स्टेट है तो वैल्यू आपकी वही रहेगी, टैक्स की भी वैल्यू 12% है, बट हेयर यू विल कैलकुलेट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्सेस दैट इज आईजीएसटी। तो आईजीएसटी इज व्हाट, 12% ऑफ द टोटल वैल्यू। द टोटल वैल्यू इज 1000, 12% एज यू कैन सी हियर, सो यू विल गेट 120 एज द टैक्स। अब आपको अगर ये बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू एट विच ए सोल्ड द ऑब्जेक्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ, इन विच टैक्स इज इंक्लूडेड। ये वर्ड्स को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मीनिंग टैक्स इज इंक्लूडेड, एक्सक्लूसिव अगर बोलेगा आपको एक्सक्लूसिव प्राइस, सो यू विल डायरेक्टली राइट 2000। एक्सक्लूसिव मीन्स विदाउट टैक्स। ओके, सो इंक्लूसिव इज इक्वल्स टू एक्सक्लूसिव प्लस द टोटल टैक्स। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इंक्लूसिव प्राइस आपको ए का बताना है, सेलिंग प्राइस। इंक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूसिव प्लस टोटल टैक्स। इंक्लूसिव यू हैव टू फाइंड, एक्सक्लूसिव यू नो दैट इज 1000 एंड टोटल टैक्स लेवीड ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज रुपीज 120। तो 1000 प्लस 120 यू विल गेट रुपीज 1120। ओके, नाउ इफ यू कंपेयर केस वन एंड केस टू, द वैल्यूज आर सेम, द आंसर्स आर इवन सेम। ओके, बट द डिफरेंस इज विद सीजीएसटी आईजीएसटी, दैट वॉज इन केस वन एंड हियर इट इज आईजीएसटी। नाउ यू सी फ्रॉम बी टू सी, अगेन 2000 रुपीज का बी ने सेल किया, दोनों अलग अलग स्टेट के आपके हो गए, इंटर स्टेट। ओके, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी दैट इज 12%। आप कॉम्पोजिट फॉर्म में लोगे इंटर स्टेट में, तो 2000 का 12%, अभी बी सी को 2000 में सेल कर रहा है तो 2000 का 12% आप फाइंड करो, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 240 एज यू कैन सी हियर। अब आपको अगर ये बोले, देखो कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, मैं वो सारी स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ, बट आंसर आपको या प्रोसेस वही करना है। अगर आपको ये बोले टेल द प्राइस एट विच बी इज सेलिंग टू सी और सेलिंग प्राइस ऑफ बी, ओके विथ टैक्स, विथ टैक्स भी बोल सकता है, किसी बुक में ये बोल सकता है कि टेल द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ओके, सो मतलब दोनों का वही है, मतलब यही है कि आपको टैक्स इंक्लूड करके बताना है। टैक्स इंक्लूड करोगे आप तो 2000 इज द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स,
plus 240 is the tax, so you will get 2240 as the inclusive price. Taken all the artists as ABC as they were in case 1 and 2. Only difference is A is from Agra, that is UP. B is from Delhi, Union Territory, and C is again from Delhi. अब अगर आप थोड़ा सा आपने केस वन और केस टू को अच्छे से समझ लिया है तो आप ये समझोगे कि ए टू बी जो है वो डिफरेंट स्टेट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो दैट इज इंटर स्टेट. बट बी टू सी पे जब आप जाओगे दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द सेम स्टेट, दैट इज यूनियन टेरिटरी. सो फ्रॉम ए टू बी इट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन एंड फ्रॉम बी टू सी इट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. ओके, तो पहला केस मैंने लिया उसमें आपको इंट्रा स्टेट समझाया, दूसरे में इंटर स्टेट समझाया, अभी दोनों को क्लब कर दिया, ए टू बी इंटर स्टेट एंड बी टू सी इंट्रा स्टेट. प्रोसीजर आपका वही रहेगा, इंटर स्टेट है आईजीएसटी, तो आप देख सकते हो 12% 1000 का आपने कैलकुलेट किया 120 आया. सेलिंग प्राइस ऑफ ए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोलेगा या कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोलेगा, सो यू विल राइट 1000 प्लस 120 दैट इज 1120. बट अब बी टू सी पे आओ, बी टू सी पे आपको ये बोलेगा अभी क्या है ये इंट्रा स्टेट हो गया, बिकॉज इट इज इंट्रा स्टेट तो सिंपली यू विल डिवाइड द टोटल जीएसटी इन टू इक्वल पार्ट. 12% इज द टोटल जीएसटी, तो 6% एस जी एस टी एंड 6% इज सी जी एस टी. ओके, तो 2000 का 6% आपने सी जी एस टी निकाला दैट इज 120. अगेन 2000 का 6% आपने CGST निकाला 120. अभी आपको बताना है कि इंक्लूसिव सेलिंग प्राइस ऑफ बी या इंक्लूसिव कॉस्ट प्राइस ऑफ सी. सिंपल, द वैल्यू ऑफ दैट आर्टिकल प्लस द टैक्सेस 2000 प्लस 120 प्लस 120 यू विल गेट 2240. अभी आपने तीनों केसेस पढ़े, इन ऑल द थ्री केसेस द वैल्यूज वर सेम, ओनली द डिफरेंस वॉज द नेम ऑफ द प्लेसेस. And this is important, the name of the place. So you have to be very careful while solving the question. अब question solve करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ special नहीं करना. Question आप जब read करते जाओ उसी time पे आपके brain को भी act करना है. So it is just the coordination between your eyes and brain. आपके eyes questions को पढ़े और आपका brain जो है वो वहीं पे act करने लगे. If वो दोनों चीज़ simultaneously होती जाएगी आपका सारा concept clear हो जाएगा. अब जो केसेस हमको डिस्कस करने हैं वो है आपके आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी एंड नेट जीएसटी पेड. ठीक है, उस पे बातें हैं. फॉर दीज टर्म्स यू डोंट हैव टू सी एज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इस पे इतना दिमाग का आपको जोर नहीं देने की जरूरत है. यू सिंपली फॉर एवरी आर्टिस्ट प्रेजेंट हियर एबीसी, आपको हर एक आर्टिस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल जब हम बी का बात करते हैं तो बी के लिए आपको उसका कॉस्ट प्राइस देखना है, उसका सेलिंग प्राइस देखना है. फॉर बी द कॉस्ट प्राइस इज 1000, फॉर बी द सेलिंग प्राइस इज 2000. ये दोनों प्राइस जो है दैट दे आर एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू फाइंड और व्हाट यू हैव टू सी दैट द टैक्स अमाउंट फॉर बी व्हेन इट वॉज बाइंग एंड व्हेन इट वॉज सेलिंग. Focus on these terms. Why you have to focus? Because the tax paid at the time of purchasing any object is called input GST. So, B is purchasing it for 1000. Okay, and when it was purchasing, it was paying as 120 tax. Okay, at the time of purchase, he was paying 120. So, the tax paid at the time of purchase is input GST. Now selling price is 2000, the tax calculated here, the total tax which you get at the time of selling an object is output GST. So jab aap sell kar rahe ho, abhi aap itne questions kar chuke ho, to you can easily see ki purchase ke time pe bhi 120 tax de raha tha and selling ke time pe wo 240 ka aapko tax de raha hai. Okay, so input tax is tax paid at the time of purchase and output tax is tax paid at the time of selling an article. Input tax ho gaya, output tax ho gaya. Unhi questions ko jab hum log solve karenge to similarly input CGST mein classify kar denge. Agar CGST aapko bolega to input CGST, SGST bolega to input SGST, agar IGST bolega to input output IGST.
कॉन्सेप्ट विल बी दिस, सिर्फ टर्म्स आपके चेंज होंगे. द लास्ट टर्म इज नेट जीएसटी पेड. तो नेट जीएसटी फॉर बी दैट इज सिंपल, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. दैट मीन्स टैक्स फॉर सेलिंग माइनस टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज. 240 माइनस 120 दैट इज 120. तो द नेट टैक्स पेड बाय बी इज 120. अभी आप ये सोच रहे हो यार कि पहले तो उसने 120 दिया फिर 240 दिया, तो टोटल 360 होना चाहिए. अगेन आई एम टेकिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट दैट जीएसटी इज अ कंज्यूमर बेस्ड. तो जब आप कोई चीज़ को सेल करोगे तो आपको टोटल टैक्स मिलेगा, और परचेज के टाइम पे आपने जो भी टैक्स दिया होगा वो टैक्स आपको रिफंड हो जाएगा. ओके, बी और सी का अलग ट्रांजैक्शन है, तो सी का जो टैक्स था वो बी को मिला जो बी ने पे किया था, और बी ने जो टैक्स पे किया था परचेज के टाइम पे, जब सी ने पे कर दिया तो बी को वापस आ गया. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज ऑल द टर्म्स आई हैव डिस्कस्ड विथ यू.